मन मन में है, कण कण में। हम भी कहते हैं रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मेरा 14 साल का संघर्ष है, तो 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म हो गया। आपकी बहन बेटी का वनवास खत्म करिए। जैसे रोटी अल्टी पल्टी करल जाला, एक तरह रही तो जर जाई, ना तो कच्चा रह जाई, वही तरह सरकार के भी अल्टी पल्टी करल जाला। हर एक नेता अगर भाजपा के है तो रामराज क्यों नहीं आया, तो अच्छे दिन क्यों नहीं आए, क्योंकि हम लोग रोटी की तरह सरकार को पलटते नहीं है। जैसे हमन के रोटी अल्टी पल्टी करल जाला, जैसे रोटी अल्टी पल्टी करल जाला, एक तरह रही तो जर जाई, ना तो कच्चा रह जाई, वही तरह सरकार के भी अल्टी पल्टी करल जाला। तब सरकार के देहिया में डर रही, और ये सरकार मुद्दों पर बात नहीं करती है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, ये कहती हम राम को लाए, राम को कोई ला सकता है? अरे सदियों से थे, मन मन में है, कण कण में। हम भी कहते हैं रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हम भी कहते हैं, लेकिन जरूरी क्या है, ये मुद्दों पर बात नहीं करती। जरूरी बा जब बर देखवाई तो का पूछल जाई, जब बर देखवाई तो पूछल जाई लड़का कितना पढ़ा लिखा बा, लड़का कौन नौकरी करता, लड़का कितना कमाई करता, ई ना पूछल जाई, ई ना ना पूछल जाई कि अरे भाई लड़का कितना घंटी घुमावता, लड़का कितना कावर ढोवले बा, के लड़का कितना राम राम जपता, ई पूछाई। बर देखवा आई तो समधी लोगन ई पूछी कि लड़का कितना कमाता, लड़का कौन नौकरी करता। यहाँ शादी किसका नहीं हुआ भाई? अध्यक्ष जी का हमारे शादी नहीं हुआ है, किसका शादी नहीं हुआ? नहीं हुआ, अरे अब होगा भी नहीं, कैसे होगा इतनी महंगाई वाली सरकार में शादी नहीं होगा। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा 14 साल का संघर्ष है, तो 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म हो गया। आपकी बहन बेटी का वनवास खत्म करिए। 1 तारीख को हमारा जन्मदिन है, तो 1 तारीख को साइकिल वाला बटन दबाकर आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।